गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर घनश्याम गेरवा लोक प्रशासन विषय के अंदर व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको लोक प्रशासन के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट और सेकेंड पेपर के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। तो बीए पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन के अंदर अपने दो पेपर चलते हैं। पहले पेपर का नाम है लोक प्रशासन के तत्व और दूसरे पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन। दोनों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं। इनके पेपर का परिचय मैं आपको बता दूं, 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। दोनों पेपरों के अंदर तीन तीन यूनिट होती है। तीनों यूनिट के अंदर से अपने को दो दो क्वेश्चन निबंधात्मक प्रकार के आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है और उन दो क्वेश्चनों में से हमें एक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में हल करना होता है। अब जैसे ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड है और ये तृतीय खंड है। प्रथम खंड में से दो क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमें एक प्रश्न करना है जो निबंधात्मक प्रश्न होगा और 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से तीन प्रश्न हमें तीनों खंडों में से करना होगा और इसके अलावा बाकी के तीनों खंडों में से मिलाकर 10 प्रश्न छोटे प्रश्न आएंगे जिनका 5 से 7 लाइन के अंदर अपने को उत्तर देना होगा। वो 4-4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो 60 नंबर के तो निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 40 नंबर के अपने संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे। तो 60+40 ऐसे करके दोनों पेपरों के अंदर अपने को 100 नंबर का पेपर होगा। अब आज अपन सेकंड पेपर की बात करें। फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन के तत्व जो 100 अंक का है और द्वितीय पेपर है भारत में लोक प्रशासन, वो भी 100 अंक का है। अब अपन बात करें भारत में लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम। भारत में लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम खंड आता है कि भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश काल के प्रभावों के विशेष संदर्भ में। हमारे भारतीय प्रशासन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों के शासनकाल जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज हमारे भारत देश से चले गए, उसके बाद में हमारे भारत पर ब्रिटिश काल के कौन कौन से प्रभाव रह गए जो वर्तमान समय तक अपने यहाँ पर चले आ रहे हैं। इसके बाद में आता है भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। हमारे भारत देश की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर आता है संघीय कार्यपालिका। हमारे केंद्र के अंदर एक संघीय कार्यपालिका है जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सम्मिलित किया जाता है। अब हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति किस प्रकार होती है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, क्या योग्यताएं होती है और मंत्रिपरिषद की, इन तीनों के बारे में अपने को विस्तृत रूप से पढ़ना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके बाद आता है केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के हमें संगठन और कार्य दोनों के, केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन और कार्य का अध्ययन करना है। यह अपनी प्रथम यूनिट होगी। इसके बाद में जो सेकंड यूनिट आती है, सेकंड यूनिट के अंदर आता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन एवं कार्य करता है। तो सबसे हमारे भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ा विभाग है वो होता है गृह मंत्रालय। हमारे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य इसी विभाग का है। तो गृह मंत्रालय का अपने को संगठन और कार्य, इसके साथ साथ कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन और कार्य, मतलब गृह मंत्रालय और कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन।
एवं कंपनी। हमारे भारत देश के अंदर प्रमुख रूप से जो लोग उद्यम है, मुख्य रूप से ऐसे तो बहुत सारे लोग उद्यम है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अध्ययन अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है वो इन तीन उद्यमों को शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से प्रमुख रूप से यही है, विभाग, निगम और कंपनी। तो इन तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद आता है लोग उपक्रमों की संसदीय समिति, जो लोग उपक्रम है उनकी संसदीय समिति के बारे में। फिर आता है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन में क्या है, बजट का निर्माण, बजट का संसद में अनुमोदन और बजट का क्रियान्वयन। हमारे यहाँ पर बजट सबसे मेन चीज जो होती है हमारे जीवन में वो होती है बजट। बजट बजट मतलब वार्षिक आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वही बजट होता है। तो हमारे बजट का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, फिर उसका संसद में अनुमोदन किया जाता है और फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। उसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो एक सबसे बड़ा पद बनाया गया है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है लोक लेखा समिति और अनुमान समिति। लोक लेखा समिति और अनुमान समिति के बारे में अध्ययन करना। तो ये हुआ अपना सेकंड यूनिट। और इसके बाद में आती है थर्ड यूनिट, तृतीय खंड। अब तृतीय खंड के अंदर हम बात करें तो कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन के अंदर क्या है, भारतीय लोक सेवकों का वर्गीकरण। हमारे भारत के अंदर जितने भी लोक सेवक हैं उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उनके पदों को किस प्रकार से बांटा गया है, इसके बाद में आता है अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती एवं प्रशिक्षण। हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ी लोक सेवाएं होती है वो लोक सेवाएं होती है अखिल भारतीय सेवाएं। उन अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर भर्ती किस प्रकार की जाती है और उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये अखिल भारतीय सेवाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तीन प्रकार की रूप से होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इन तीनों का अपने को किस प्रकार से भर्ती और किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद में आता है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है वो विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण। प्रशासन पर तीन प्रकार से विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण, इन तीनों के द्वारा हमारे प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद में आता है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। हमारे जो प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ना है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। लोक परिवेदनाओं का निवारण, जो हमारे जनता के, हमारे देश के सामने जो वेदनाएं हैं उनका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। इसके बाद में हमारे प्रशासन में किस प्रकार से सुधार किया जाएगा और कार्मिक प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विशेष संदर्भ में हमारे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का तुलनात्मक अध्ययन। हमारे यहाँ पर जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना हुआ है, उन दोनों सुधार आयोगों का भ्रष्टाचार के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। ये हो गया अपना BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर, भारतीय भारत में लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्ण